वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इसमें बनाएंगे मिर्ची का अचार। जो बड़े साइज़ की मिर्ची होती है उसका अचार बनाएंगे। वैसे तो छोटे साइज़ की मिर्ची का अचार भी सेम ही मेथड से डाला जाता है। मैंने भी अभी नया नया ही अचार डालना सीखा है, लेकिन पहले मैं एक दो बार बनाती हूँ अचार, अच्छा बनता है, फिर मैं आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करती हूँ। इसमें बड़ी मिर्ची को हम दो या तीन हिस्सों में काट लेंगे, चाहे तो उसको लंबी साइज से भी काट सकते हैं। इसके ऊपर से डंठल उतारने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो उससे अचार ख़राब होना शुरू हो जाता है सबसे पहले। इसमें मैंने मसाला पहले से ही पीस के रख लिया है। इस मसाले में वही कॉमन सारी चीज़ें आती हैं जो सारे ही अचार में लगभग आती हैं, जीरा, धनिया, मेथी दाना, मस्टर्ड सीड्स, सौंफ, हींग, काली मिर्च थोड़ी सी, सेम ही मसाला होता है लगभग सारे अचार का। और ये नमक और हल्दी जो है ये मैंने अलग से ले ली है। अब हम इसे सारे मसाले जो हैं अचार में डाल देंगे। नमक तो अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे, वैसे अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए और फ्लेवर के लिए, और इसमें देगी कश्मीरी मिर्च भी डालेंगे, इससे कलर जो है अचार का बहुत अच्छा आता है और इसमें एक फ्लेवर भी होता है। तो इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये जो मस्टर्ड ऑयल है मैंने पहले से गर्म करके ठंडा करके रखा हुआ है, तो ये भी हम डाल देंगे। अगर अचार ज़्यादा दिनों तक रखना हो तो मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा डालना चाहिए, और अगर आप 8-10 दिन में खा रहे हैं, ये तो मेरा तो कम ही अचार है, तो फिर तो कम मस्टर्ड ऑयल डालो तब भी चल जाता है। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितनी छाइन आ रही है इसके ऊपर मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है ये। पहले मुझे लगता था कि अचार डालना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जब मैंने डालने शुरू किए हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है अचार डालने में अलग अलग चीज़ों के। अब इसमें खटास के लिए नींबू का रस डालूंगी, तो इसके लिए मैं नींबू जो निचोड़ने वाली है इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर पानी लगा हुआ था। तो इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। एक नींबू का रस ही काफ़ी होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रस निकला है नींबू में से। थोड़ा सा आप सिरका भी डाल सकते हैं अगर नींबू ना हो तो, वाइट विनेगर जो है वो भी डाल सकते हैं और नींबू भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं वाइट विनेगर भी डाल दूँगी, मेरा वाइट विनेगर वैसे जो है लगभग ख़त्म हो गया हुआ है अचार बना बना के, फिर भी एक ढक्कन डाल देती हूँ, फिनिश हो गया है। अगर जल्दी ख़त्म करना है तो नहीं भी डालें तो चलेगा, सिर्फ नींबू डाल दें तो उससे भी अच्छे से रहेगा, और अगर देर तक रखना है तो थोड़ा सा सिरका डाल देना चाहिए। अच्छा बन गया है, अब मैं इसको ग्लास के जार में रख लूँगी। मेरे पास जो ग्लास के जार हैं वो बहुत बड़े साइज़ के हैं, तो इतना थोड़ा सा अचार डालना अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये जैम की जो खाली बोतल्स होती हैं मैं इनको रख लेती हूँ। जैम बहुत यूज़ होती है हमारे घर में, तो इनमें मैं अचार डालने के लिए इनको अक्सर रख लेती हूँ साफ़ करके। तो दो अलग अलग जैम की बोतल्स में डाल देती हूँ, क्योंकि एक में डालेंगे तो फिर शेक नहीं होगा, तो अचार को रोज़ 2-3 बार शेक करना चाहिए ताकि उसका जो मसाला है नीचे बैठ जाता है वो लग जाए, तो इसलिए मैं दो अलग अलग बोतल्स में डाल रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज़ सपोर्ट्स माई चैनल फ्रेंड्स, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम अपनी जो रेसिपी है अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकेंगे, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा अचार। इसे डेली धूप में रखें, दिन में 2-3 बार जब भी याद आए किचन में आए तो इसको शेक करते रहिए, इसे मसाला ऊपर नीचे सबको लग जाता, नहीं तो नीचे बैठ जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।